छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन द्वारा दुर्ग ग्रामीण परिक्षेत्रीय सम्मेलन 9 मार्च को अंडा में किया जाएगा। 9 मार्च को छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन के द्वारा अंडा में दुर्ग ग्रामीण परिक्षेत्रीय किसान सम्मेलन का आयोजन है। इस सम्मेलन में अंडा के आसपास के दुर्ग ग्रामीण के करीब 40 गांव के 200-250 किसान प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसके अलावा जो ग्रामीण हैं, जो नान किसान ग्रामीण हैं, ये लोग भी सम्मेलन में रहेंगे। सम्मेलन में कृषि और किसानों से संबंधित समस्याओं पर तो विचार होगा ही। इसके अलावा दुर्ग ग्रामीण के अनेक गांव में सड़क चौड़ीकरण के नाम से अवैध रूप से जो लोक निर्माण विभाग द्वारा तोड़फोड़ किया जा रहा है बिना मुआवजा दिए, इस मुद्दे पर भी चर्चा होगी, रणनीति बनाया जाएगा। इसके अलावा आवास और पेंशन की योजना, करीब करीब हर गांव में 100-150-200 की संख्या में लोगों ने आवेदन जमा किया है पंचायतों में, और पिछले कुछ सालों से इन आवेदनों पर कोई विचार शासन प्रशासन की ओर से नहीं किया गया है। पेंशन की बात जो हो रहे हैं, हजारों लोग आवास के लिए रास्ता देख रहे हैं कि उनको अपना एक अपना खुद का मकान होगा, मगर 2001 की BPL सूची और 2011 की सर्वे सूची में नाम नहीं होने की आड़ में आज जो वास्तव में जरूरतमंद है उनको वंचित रखा गया है। तो ये आवास और पेंशन का मुद्दा भी हमारे किसान सम्मेलन में विचार किया जाएगा। इसके अलावा फसल बीमा योजना, सूखा राहत जैसे जो समस्याएं झेलनी पड़ती है किसानों को, उस पर भी हम वहाँ विचार करेंगे। जैसा कि मैंने बताया, हमारे अंडा के दुर्ग ग्रामीण परिक्षेत्रीय किसान सम्मेलन में ये तमाम मुद्दों पर हमारे संगठन की भूमिका और संघर्ष की रणनीति पर हम विचार करेंगे, और उसी के अनुसार आने वाले कुछ माह में हमारा संगठन उसी दिशा में काम करेगा।